न्यूज 24 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं भारती दास। नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक सिस्टर्स द्वारा जवाहर नगर स्थित कन्या छात्रावास में देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्यक्ष शालिनी विजय ने बताया कि सभी छात्राओं को आओ तिरंगे का सम्मान करें के साथ प्रत्येक छात्रा को झंडा सम्मान पूर्वक फहराने के लिए भेंट किया गया। छात्राओं से टच गुड फील विषय पर चर्चा की गई। इस दौरान पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें रुमाल झपट्टा, तीन टांग दौड़ जैसे अन्य खेल खिलाए गए छात्राओं को। सभी छात्राओं ने सामूहिक रूप से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम होंगे कामयाब, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया, नन्ना मुन्ना राही हूं जैसे देशभक्ति गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। आपको बता दें कि प्रतियोगिता के बाद विजेता छात्राओं को उपहारस्वरूप शिक्षण सामग्री वितरित की गई। इस मौके पर कार्यक्रम का संचालन वार्डन वीणा दीक्षित और कविता चौधरी ने किया। गणतंत्र दिवस पर राज्य मंत्री अशोक चांदना ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 34 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को जिले में हर्षोल्लास के साथ गरिमामय स्वरूप में मनाया गया। इस दिवस पर जिले में विविध कार्यक्रम हुए। जिला स्तरीय मुख्य समारोह खेल संकुल में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि युवा मामले, खेल, कौशल नियोजन, उद्यमिता, परिवहन और सैनिक कल्याण विभाग राज्य मंत्री अशोक चांदना ध्वजारोहण कर परेड निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश जोशी ने महामहिम राज्यपाल के संदेश गठन किया, जिसके उपरांत मुख्य अतिथि अशोक चांदना ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। स्कूली छात्रों ने व्यायाम प्रदर्शन, राष्ट्रीय देशभक्ति गीत, नृत्य, झांकी प्रदर्शन जैसे अन्य कार्यक्रम का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार, पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और होमगार्ड्स ने नियमितीकरण, वेतन वृद्धि सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर खेल राज्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर राज्य स्तरीय समारोह के मुख्य अतिथि युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना को कार्यक्रम समाप्ति के उपरांत होमगार्ड द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर खेल संकुल के बाहर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से होमगार्ड्स ने मुख्यमंत्री से मांग की कि होमगार्ड्स को भी पुलिस कांस्टेबल के समान नियमितीकरण कर समान वेतन दिया जाए और सभी भत्ते दिए जाए, क्योंकि होमगार्ड्स भी पुलिस जवानों के समान ही अपने कर्तव्य का निर्वाह करते आ रहे हैं। बता दें आपको कि इस दौरान खेल राज्य मंत्री ने होमगार्ड्स को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर उस पर सकारात्मक निर्णय लेने का प्रयास करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए NBC News 24। नमस्कार।